गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में वर्क के चैप्टर में हम लिंकिंग वर्ब लेकर के आए। लास्ट वीडियो में मैं बता भी चुका था, शुरू में फाइनली जो हम काइंड्स बनाए थे, चार बनाए थे। नंबर वन पर ट्रांसीवर, टू पर इन ट्रांसीवर, और थ्री पर लिंकिंग वर्ब, और फोर पर हेल्पिंग वर्ब। तो आज हम लिंकिंग वर्ब की चर्चा करते हैं। नंबर थ्री, लिंकिंग वर्ब। शॉर्ट में इसे एलबी कर लिखेगा अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। किताबों में नहीं मिलेगा तो हम सबसे क्या लेना देना, पढ़ना हमको है, समझना हमको है, ठीक है। एलबी लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, अगर आप देखें डिफिनीशन तो दीजिए। लिंकिंग वर्ब, या आप ऐसे कह सकते हैं वर्ब की डिफिनीशन, आप वर्ब की डिफिनीशन आप पढ़े हैं तो वही वर्ब की डिफिनीशन तो ऑलरेडी जान ही रहे हैं। तो सीधे सीधे का दी वर्ब, क्या करेंगे आप, दी वर्ब। दैट ज्वाइन कर दीजिए चाहे लिंक कर दीजिए, ज्वाइन कहिए या लिंक कर दीजिए। दैट का ज्वाइन आवी का लिंक टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। वह क्रिया जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करती है, लिंक करती है, इज कॉल्ड अ का लिंकिंग वर्ब। शॉर्ट में लिख दिया, वह क्रिया जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ती है, जॉइंस करती है, लिंक शब्द बना, ज्वाइनिंग वर्ब नहीं, ज्वाइनिंग वर्ब नहीं, लिंक से लिंकिंग। अब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब ये ज्वाइन करती है तो क्या करेगी, यहां पर देख लीजिए स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होगा। सबसे पहले कि ये लिंकिंग वर्ब में किन किन क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन होती है। लिंकिंग वर्ब्स में एक होती है टू बी, क्या होती है टू बी, और टू बी जब लिंकिंग वर्ब का काम करती है तो अर्थ इसका क्या होता है, होना, रहना या बन, ये तीन अर्थ देती है। और सेम वर्ब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, ठीक ना। अगर लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है तो फंक्शन किसका देगी, टू डिनोट लिंग को, किसका देगी, टू डिनोट, यानी इट एक्ट्स एज क्या, टू डिनोट बी वर्ब। आप वर्ब के पहले वीडियो में जाएंगे, पहले क्लास में जाएंगे, यानी वर्ब फर्स्ट पार्ट में जाएंगे, वहाँ चर्चा हुई है। तीन तरह की क्रिया है, टू डू बिलोंग वर्ब, डूइंग वर्ब और टू शो बिलोंगिंग वर्ब। तो वही चीज यहाँ घूम करके आए, ये कार्य करती है किसकी भाई, टू डू बिलोंग वर्ब, यानी अस्तित्व को बताने वाली क्रिया के रूप में काम करती है। जब ये लिंक का काम करेगी तो ये मीनिंग ये निकलेगी और काम करेगी, ठीक ना। तो इसके द्वारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, हम लिंकिंग वर्ब पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं,
लिंकिंग हुआ, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक ना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका जो होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ इन डिटेल, हम फिर इसको अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें हमको एग्जांपल देना होगा, है आज केवल डिफिनीशन और स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये पहले नंबर पर हम टूली की बात करते हैं। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा है, यहाँ से दिख रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ से, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक ना। सब्जेक्ट हम शॉर्ट में लिख देते हैं, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब आपकी क्या होगी, टू बी, मूल अवस्था में दे रहे हैं मूल अवस्था। अब अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होगी, इज एम आर वाज वर, वो आगे हम अगली वीडियो में देंगे आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हम आपको मौके बता देंगे, और जैसे ही हम वो फिनिश कर देंगे यानी हेल्पिंग वर्ब भी ख़त्म कर देंगे तो आपको कंप्लीमेंट पढ़ा देंगे, बता देंगे कंप्लीमेंट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं स्ट्रक्चर के। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट आर्टिक सब्जेक्टिव दो टर्म है, चाहे आप सब्जेक्ट कहो या सब्जेक्टिव कहो, इसके साथ क्या जोड़ दो, बोलो कंप्लीमेंट शब्द, क्या जोड़ दो, कंप्लीमेंट शब्द। ये जो है हमारा सेंटेंस में हो गया किसका। तो अब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है, ठीक ना, ये इसको एक्सप्लेन करेगा, को करेगा सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, इसकी व्याख्या करेगा, यानी ऐसा कंप्लीमेंट, ठीक ना, जो सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के विभाग को पूर्ण करता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। तो ये स्ट्रक्चर टूबी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो सेकेंड नंबर पर हमारी क्रिया होगी, सेकेंड नंबर पर जो हमारी क्रिया होगी वो क्या होगी, टू है, क्या होगी, टू है। अब टू है जो है इसका काम, जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है तो इसकी मीनिंग होती है कि ये पास होना या रहना। तो इन डिटेल हम इस वीडियो में नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप बड़ी वीडियो पढ़ाने चाहते हो, दिक्कत है MBA आपके पास नहीं बची रहती है या खर्च नहीं करना चाहते हो, तो भैया कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ेगा ही। तो क्या है, के पास होना या रहना। अब ऐसी दिशा में ये क्या है, इट एक्स as a two so belonging verb, ठीक है, two so belonging verb। कहाँ जाएंगे आप, verb part one में जाएंगे, वहाँ चर्चा हुई है। तो जब भी ये लिंक है टू बी और टू है, लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे तो
टू बी क्या बन जाती है, टू डिनोट बी वर्ब के रूप में फंक्शन देने लगती है और ये उसको बिलानी तो संबंध को बनाने लगती है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका जो होगा क्या होगा, देखिए एक खास बात है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में यहाँ सब्जेक्ट होगा, ओके, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, अब लिंकिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, टू है मूल अवस्था में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मूल अवस्था में अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेगी। अब कैसे बदलेगी, तो टू बी पर हमें वीडियो बना कर दे देंगे और इस पर भी है बढ़िया से समझा देंगे आपको, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट लगेगा, क्या लगेगा, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट तीन प्रकार का है, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव और एक ऑर्डिनरी। ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वो जो फैटिटी वर्ब में पढ़ाया हूँ आपको, वो वीडियो देख लीजिए फैटिटी वर्ब वाली। तो वो जो कंप्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए सब क्या है, वर्ब के भाव को पूर्ण करता है। अभी अभी मैंने बताया सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट टू बी के साथ, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वह कंप्लीमेंट होता है जो क्या सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए इसके भाव को बताता है, पूर्ण करता है क्रिया के। और यहाँ ये ना तो सब्जेक्ट की व्याख्या करता है ना ऑब्जेक्ट की, यही कारण है कि इसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी। अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के स्थान पर क्या क्या प्रयुक्त होता है, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट के स्थान पर क्या क्या प्रयुक्त होता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे, और ठीक है ना, और वहीं पर आपको क्या मिलेगा एग्जाम्पल भी। तो आज की वीडियो में क्या डिफिनेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर दो चीज़ें, इसके बाद कल जब हम टू बी बनाएंगे तो सीधे एग्जाम्पल क्या मेकिंग वर्ब टू बी विद एग्जाम्पल्स, सीधे विद एग्जाम्पल, तो उस वीडियो में हम स्ट्रक्चर नहीं देंगे। इसलिए इस वीडियो को क्या करिए, बढ़िया से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। थैंक्स। क्या हुआ?